हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और बहुत ही आसान अफ़गानी कीमा की रेसिपी। ये मेरी गारंटी है कि आपके घर में सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लिया है। फिर मैंने एक मीडियम और एक छोटी साइज़ की प्याज को रफली स्लाइस करके ऐड कर दिया है। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, मैंने बारीक कलियाँ ली हैं, आप मोटी ले रहे हैं तो 4 से 5 ही लें। 3 से 4 हरी मिर्चें और 3/4 कप मैंने धनिया की पत्तियाँ, हमें इसकी डंठल के साथ ऐड करना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सॉटे कर लेंगे जब तक जो प्याज है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। हमें बस उसे सॉफ्ट करना है, हमें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। निकाल लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। फिर मैंने सेम कढ़ाई में फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर गरम कर लिया है। 1/2 किलो कीमा हमने इसमें ऐड कर लेना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट अच्छे से मिला लें। और हमने अभी आंच को तेज़ करके 4 से 5 मिनट के लिए मटन को अच्छे से तेज़ आंच पे भूनना है। इस दौरान जो मटन है वो अपना पानी रिलीज़ कर लेगा, तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसको कंटिन्यू पकाते रहना है। सो पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, अब इसमें हम 1 कप पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और फिर हमने ढाँक कर इसे पकाना है दम पर, जब तक मटन गल ना जाए। सो पहले हमने इसे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक उसमें उबाल नहीं आ जाए। उसके बाद हमने आंच को धीमा कर देना है और मटन को तब तक पकाना है जब तक गल ना जाए। सो जो मिक्सचर हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो ग्राइंडिंग जार में डाल के 2 टेबलस्पून दही के साथ हमने पीस लेना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। सो पेस्ट भी रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख लेंगे। मटन चेक कर लेते हैं, मटन भी रेडी हो गया है, अच्छा खासा कीमा गल गया है। अब कीमे को भी हमने साइड में निकाल कर रख लेना है और इसी सेम कढ़ाई का हमने फिर से यूज़ करना है। सो कढ़ाई में मैंने फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर गरम कर लिया है। इसमें 2 से 3 हरी इलायचियाँ, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग, 6 से 8 काली मिर्च के दाने डालकर हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है जब तक मसाले तड़कने लग जाए या थोड़ी सी खुशबू नहीं आने लग जाए। इसके बाद जो मसाला हमने पीस के रखा था वो मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और कुछ पाउडर्ड मसाले, उसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 3/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भर कर हमने धनिया पाउडर डाल देना है और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। फिर मैंने वही ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल के उसको रिंस कर लिया है और ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे और आँच को धीमा कर देंगे, अगर आँच धीमी नहीं है तो। फिर हमने इसमें डालनी है 3 टेबलस्पून अच्छे से फेंटी हुई दही, जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है ताकि जो दही है उसकी गुठलियाँ ना बने। अब हमने इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, तो उसके लिए मैंने इसे कवर कर लिया है और 8 से 10 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे भूनने के लिए छोड़ दिया है। बीच बीच में हमने थोड़ा सा लेड हटाकर हमने इसे चलाते रहना है ताकि मसाला जले नहीं। मसाला पूरा पिसा हुआ है, पेस्ट है इसलिए काफ़ी उड़ता है। सो आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद तेल सतह पर आ गया है, इसका मतलब है मसाला अच्छे से भून गया है। अब हमने इसमें उबाला हुआ कीमा डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक के लिए हमें इसे ऐसे ही पकाना है ताकि जो मटन का कीमा है वो सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और उसका जायका पकड़ ले। उसके बाद हमने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, इससे कीमे में बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। तो जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे धीमी आँच पर, ज़्यादा नहीं पकाना है हमने क्रीम डाल के, नहीं तो क्रीम अपना फैट छोड़ना शुरू कर देता है। अब हमने 1/2 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालनी है, क्रश करके डालें, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। मिक्स कर लेंगे और आखिर में हमने इसमें डालना है 3 से 4 हरी मिर्चें। मिक्स कर लें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक, इसे और पका लें मज़ीद। बस ये लीजिए, हमारा जायकेदार मज़ेदार अफ़गानी कीमा रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे आप नान, कुलचा, रोटी, चपाती किसी के साथ भी रिलिश कर सकते हैं, इवन चावल के साथ ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। बकरीद आने वाली है तो इस रेसिपी को आप अपने रेसिपी लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। ये देखिए लग रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग, ये खाने में भी उतना ही लाजवाब था। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस अगेन विद अनदर रेसिपी, अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप स्माइलिंग।